के साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी मौजूदगी है। जबलपुर संभाग के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बीजेपी नेताओं से प्रचार प्रसार का फीडबैक यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लिया जा रहा है। तो जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मंथन जारी है। 3 दिनों तक एमपी में अमित शाह रहने वाले हैं और सबसे पहले महाकौशल संभाग की बारी, जहां पर जबलपुर में उनकी मौजूदगी एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और नेताओं की मौजूदगी है। वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रचार प्रसार का फीडबैक यहां पर गृहमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार की जाए, उन सभी चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा भी यहां पर अमित शाह करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। एक बड़ी बैठक और इस बैठक में प्रचार प्रसार की तमाम जानकारी यहां पर अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बैठक जारी है। 3 दिनों तक एमपी के प्रवास पर अमित शाह रहेंगे, जिसमें इन 3 दिनों में 10 संभागों का दौरा करने वाले हैं और इस 3 दिन के प्रवास के दौरान चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। आज महाकौशल क्षेत्र पर अमित शाह का फोकस, 38 विधानसभा सीटों पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी अमित शाह काम करेंगे। विचार विमर्श बीजेपी के प्रत्याशियों से किया जा रहा है और यहां पर और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, बैठक लगातार जारी है, किन किन बातों पर मंथन किया जा रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे वीडी शर्मा के अलावा मौजूद? बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दौरा है ये, और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर पहुंचे और शुरुआत उन्होंने शंकरशाह रघुनाशाह के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके करी और उसके बाद फिर ये सीधे यहाँ पर संभागीय कार्यालय पर पहुंचे। और मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये बीजेपी के संभागीय कार्यालय है जिसमें इस समय केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद है और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम बीजेपी के कुछ पदाधिकारी, चुनिंदा पदाधिकारी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। और इसके साथ साथ कुछ दावेदारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और ये वो कार्पोरेट है जिस समय यहाँ पर तैयारी है। जानकारी ये मिली है कि संभवतः 10 या 15 मिनट में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर की ओर तरफ निकलेंगे और वहां से वो सीधा यहाँ पर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां से वो छिंदवाड़ा जाएंगे। लेकिन इस समय यहाँ पर जो भीड़भाड़ आप देख सकते हैं, निश्चित तौर पर ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो 38 विधानसभा सीटें हैं महाकौशल क्षेत्र की, उन 38 विधानसभा सीटों में कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर कई तरह के विवाद सामने आए थे, खासकर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र जो जबलपुर की थी। और इस विधानसभा क्षेत्र में जब बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए थे तो वहां पर विवाद सामने आया था और विवाद इस कदर सामने आया था कि बीजेपी के इसी संभागीय कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घुसे थे और जमकर नारेबाजी की थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें जब सामने निकल कर आई तो ये दौरा उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये तमाम जो नाराजगी है इसे दूर करने का समय है। महज 15 से 20 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं मतदान के लिए और इस मतदान में जिस तरीके की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही है पूरे महाकौशल क्षेत्र में, उस नाराजगी को दूर करने के लिए तो कुल मिलाकर कहा जाए डैमेज कंट्रोल की यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ये 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं, जबलपुर में इसकी शुरुआत की गई है और इसके साथ साथ अब इसके बाद वो छिंदवाड़ा जाएंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां के बाद फिर वो सीधे उसके बाद फिर आगे के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। तो ये जो दौरा हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो रहा है। शुरुआत की गई आदिवासियों को साधते हुए, क्योंकि आदिवासियों के स्वतंत्र संग्राम सेनानी राजा शंकरचर रघुनाशा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर संभागीय कार्यालय आए। तो कुल मिलाकर कहा जाए आज यहाँ पर जो बैठक की गई, बैठक के बारे में हालांकि कोई कुछ बता नहीं रहा है, जो बैठक में मौजूद रहे वो बाहर भी निकले लेकिन उनकी किसी तरह की जानकारी नहीं दी, क्योंकि बेहद गोपनीय बैठक है। और इस बैठक में चुनिंदा लोगों को शामिल किया गया है,
अभी कुछ देर पहले तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पर जो उत्तर मध्य विधानसभा सीट के बड़े दावेदार थे धीरज पटेरिया, जिनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था इस कार्यालय में, उनको बुलाया गया था। तो उनको एक पुलिसकर्मी जो है उनको अपने साथ अंदर ले गए। तो निश्चित तौर पर ये वो जो कुछ तस्वीरें थी जिससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि अंदर जो बातें हो रही हैं वो बातें केवल उस लहजे पर हो रही हैं कि जो नाराज दावेदार थे, जो नाराज कार्यकर्ता थे, उन्हें मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और यहाँ पर न सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, बल्कि कार्यकर्ताओं का जोश किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से चुनावी मैदान को अपने पक्ष में किया जाए, लोगों तक जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी पहुंचाई जाए, तमाम चीजों को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। देखना होगा कि अब जो दो दिन बचे हैं उसमें कहां कहां बैठकों का दौर चलता है और किस तरीके से यहां पर समीकरणों को साधने की बीजेपी की ओर से कोशिश की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।